कुंभारी युवती से शारीरिक संबंध बनाने वाले को क्या सजा है? गरुड़ पुराण में पर स्त्री व पर पुरुष से शारीरिक संबंध बनाने पर क्या सजा है? पराई स्त्री से संभोग को लेकर मनुस्मृति में क्या लिखा गया है? मित्र के पत्नी से संभोग करने वाले को क्या सजा है? नमस्कार मित्रों, अभी इस समय घोर कलयुग चल रहा है। इस समय पापी पाप करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। हमें धर्म ग्रंथों के सहयोग से पाप कर्मों के रोक सकते हैं। इसके लिए आपको यह वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। प्रेम को संसार में ईश्वर का रूप कहा गया है, लेकिन प्रेम अगर मर्यादा और नीतियों को ताक पर रखकर काम भावना में बदल जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। इस पाप की ऐसी सजा है जिसे जानेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है मेरे एक नई प्रस्तुति में। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। लाइक करना नहीं भूलिएगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति मर्यादा की रेखा पार करके परस्त्री अथवा परपुरुष से संबंध बनाता है, उसके लिए यमराज ने बड़ा ही कठोर दंड निर्धारित किया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के हर कर्म के लिए मिलने वाले फलों की व्याख्या लिखी गई है। वैसे तो इस कलयुग में चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। इस कलयुग में रिश्ते नाते कोई नहीं देखता, बस पाप कर्मों के नजरिए से देखता है। ऐसे ही पाप कर्म बढ़ते रहे तो कलयुग का अंत निश्चित है। वैसे एक पाप रावण ने भी किया था माता सीता को अपहरण करके। वैसे तो रावण को वरदान प्राप्त था, वह अजर अमर था। मन में गंदे विचार के कारण वह मृत्यु के ओर चला गया। पाप तो पाप ही होता है, सजा हर व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे कर्म करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्म करेंगे तो मन हमेशा शांत रहेगा, शरीर में कोई भी दुख तकलीफ क्लेश नहीं रहेगा। वही आप मन में काम वासना एवं गलत विचार रखते हैं, प्राय स्त्री पर गलत नजर डालते हैं, आपको भले ही कुछ ना हो मगर यह ध्यान रखना आपके घर परिवार पर बुरे असर देखने को जरूर मिलेगा। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग पृथ्वी लोक में अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग सहित अन्य प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं जो लोग नीच कर्म करते हैं उन्हें नरक के दुखों को भोगना पड़ता है। शास्त्रों में वर्णित कई तरह के कर्मफलों में से एक है पराई स्त्री के साथ संभोग करना। मनुष्य योनि के लिए जो महत्ता भोजन और पानी की है, ठीक उसी तरह संभोग के भी अपने अलग कायदे व कर्मफल है। हालांकि प्रेम को तो कुछ विद्वानों ने ईश्वर का रूप माना है, लेकिन यही प्रेम जब मर्यादा और नीतियों को भूलकर वासना और संभोग में बदल जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। विवाह पश्चात घर लाई अपनी पत्नी से संभोग के अलावा अन्य महिला को वासना की नज़र से देखना व संभोग करना उस पाप की श्रेणी में माना गया है, जिसका कर्मफल जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। गरुड़ पुराण में इस कर्म के लिए कठोर दंड की विवेचना की गई है। पराई स्त्री से संभोग को लेकर मनुस्मृति में लिखा गया है कि मानव को संयमित रहना चाहिए और पराई औरतों से शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। मनुस्मृति में बताया गया है कि जो पुरुष काम वासना से वशीभूत होकर पर स्त्री से संबंध बनाता है तो परलोक में उसके सिर पर योनि का चिन्ह बना दिया जाएगा। यह योनि का चिन्ह अगले जन्म में उस पुरुष के ललाट पर नजर आएगा। वहीं शास्त्रों के जानकारों की माने तो ऐसे संबंध बनाने के लिए स्त्री व पुरुष दोनों को सम्मान रूप से पाप का भागीदार माना जाएगा व परलोक गमन पर उनकी जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभों से आलिंगन करवाया जाएगा, जिससे जीवात्मा का शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इस लोहे की आग में जल रही जीवात्मा उन क्षणों को याद करते हुए रोएगी जब उन्होंने पापमय शारीरिक संबंध बनाए थे। गरुड़ पुराण में पर स्त्री व पर पुरुष से शारीरिक संबंधों को लेकर अलग अलग व्याख्या की गई है। इसमें कुंवारी या फिर कम उम्र की कन्या से संबंध स्थापित करने की सजा भी बताई गई है।
साथ ही जो स्त्री अपने पति परमेश्वर को छोड़कर अन्य किसी भी पुरुष से इस तरह के संबंध बनाती है तो उसे यमलोक में आग से धधकते लोहे से चिपकाया जाता है। इस सजा की अवधि उस इंसान के कर्म के अनुसार होती है। साथ ही पाप की सजा पूरी होने पर उस स्त्री को चमगादड़, दो मुहा सांप या फिर छिपकली के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसके अनुसार जो पुरुष अपने गोत्र की कन्या या महिला से काम संबंध बनाता है उसे यमलोक की यातनाओं के बाद लकड़बग्घा या शाही के रूप में अगला जन्म लेना पड़ता है। कम उम्र की लड़की व कुंवारी युवती से शारीरिक संबंध बनाने वाले को घोर यातनाएं सहने के बाद अजगर बनाया जाता है, जो अपने अगले जन्म में भी पिछले कर्मफल भोगता है। इस घोर कलयुग में मनुष्य जीवन में कुछ लोग गुरु की पत्नी से भी संबंध बनाने से नहीं चुकते, जिनके कर्मफल के बारे में बताया गया है कि ऐसे पुरुष व स्त्री को अधिकाधिक वर्षों तक नर्क के दुखों को सहन करने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेना पड़ता है। वहीं दोस्त से विश्वासघात करके मित्र पत्नी से संभोग करने वाले को कई वर्षों तक यमराज गधा की योनि में रखा जाता है। मनुस्मृति की माने तो पराई स्त्री से संभोग करने वाले को ऐसी सजा का प्रावधान भी है कि आप खुद पढ़ सकते हैं। महर्षि व्यास के अनुसार पराई स्त्री से संबंध बनाने वाला व्यक्ति भयानक नरक में जाता है। फिर उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, सियार, गिद्ध, सांप, कौआ और अंत में बगुले का जन्म मिलता है। उसके पश्चात उसे मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। मित्रों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर लिखेगा जय श्री कृष्णा।